बहुत अच्छा रहा, लोग पिक्चर देख के आ रहे हैं और आई कैन नॉट टेल यू वो कितना उसको एंजॉय कर रहे हैं और अपने कश्मीर को एक खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेशन को देख के बहुत खुश हो गए और आज जो हमारा वो हाउसफुल रहा है उम्मीद है कि आगे भी चलते हुए आप देख रहे हैं क्राउड कितना आ रहा है, आप हाउसफुल का बोर्ड भी देख रहे हैं यहाँ पे तो हाँ नहीं कश्मीरियों को सिनेमा कश्मीर से लगा हुआ है और लोकल आर्टिस्ट जुड़ चुकी है आप देखेंगे और हमारे ऑल एज ग्रुप्स के लोग आ रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं पिक्चरों को। साथ में हमने ऊपर एक एंटरटेनमेंट जोन भी लगाया है जिसमें गेम्स हैं खेलने के लिए तो फैमिलीज आर कमिंग एंजॉयिंग सर। तो जहाँ तक इस फिल्म का ताल्लुक है, जहाँ तक इस सिनेमा हॉल का ताल्लुक है या हमारे ऊपर स्पोर्टिंग गेम जोन का ताल्लुक है एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 100% लोकल एम्प्लॉयमेंट हुई। जहाँ तक ये फिल्म का ताल्लुक है वेरी हैप्पी टू से कि इन्होंने भी सारे 100% लोकल लोग यूज़ किए, चाहे टेक्नीशियन हो जाएँ, कैमरामैन हो जाएँ, डायरेक्टर हमारे एक्टर्स सारे के सारे, चाहे एक्सपीरियंस भी ना हो लोगों को बट इन्होंने अपना बहुत ही मेहनत करके इन्होंने सब लोकल लोगों को यूज़ किया। अब इस इनिशिएटिव से मैं समझता हूँ कि अगर सपोज बाहर से कोई कंपनी आती है जिसको अपना यहाँ पे पूरा यूनिट लाने की ज़रूरत है, अब मुझे लगता है वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एक्टर्स भी मिलेंगे, आपको टेक्नीशियंस भी मिलेंगे, सो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेंगी।